वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अशोक लीलैंड में जो एक मॉडल आया है 4923, बल्कि बहुत पुराना मॉडल है, उस गाड़ी के बारे में, उस ट्रक के बारे में। तो हाल ही में एक किस्सा हुआ, तो उससे वो एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खासकर मैकेनिक भाइयों के लिए और जो पंप का काम करते हैं, खासकर उनके लिए। तो हमें लगता है कि BS4 गाड़ी, क्योंकि 4923 U4923 जो है अशोक लीलैंड की, वो BS4 है। BS4 में CRDI का जो सिस्टम लगा हुआ है, उसमें कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन का पूरा सिस्टम है। BS4 का पंप है, BS4 वाले इंजेक्टर्स हैं, 101 नंबर के रेल है, और पूरी गाड़ी में सेंसर्स लगे हुए हैं, जिस तरीके से CRDI में, किसी भी CRDI में, चाहे वो छोटी गाड़ी हो स्विफ्ट या फिर बड़ी टाटा सिग्ना जैसी, वैसे ही उसमें लगे हुए हैं। तो बहुत ही सक्सेसफुल इंजन है। हमें लगता है कि BS4 में पंप की टाइमिंग नहीं होती, जो कि सच बात है। BS4 में कभी भी पंप की टाइमिंग नहीं होती। आप किसी भी गाड़ी को उठा के देख लो, उसमें पंप में आपको या तो सिंगल सिलेंडर का मिलेगा या डबल सिलेंडर का मिलेगा। मतलब 6 सिलेंडर की गाड़ी है, 6 सिलेंडर उसमें, तो भी आपको पंप जो है डबल सिलेंडर से ज़्यादा का मुश्किल ही मिलेगा। सिंगल सिलेंडर का मिलेगा, जैसे टाटा का अम्ब्रेला है, तो उसमें आपको सिंगल सिलेंडर पंप मिलेगा, 6 सिलेंडर की गाड़ी है। डबल सिलेंडर का मिलेगा सिग्ना में, आपको डबल सिलेंडर मिलेगा। 1109 टाटा 1109 CRDI में आपको डबल सिलेंडर का पंप मिलेगा, दिखने में इनलाइन जैसा होता है, बट वो इनलाइन पंप नहीं, BS4 का पंप है। तो दोनों जो प्लंजर हैं डबल सिलेंडर पंप के, वो जो है प्रेशर बनाते हैं पूरी तरीके से, केवल उनका काम प्रेशर बनाना है। और पंप में साथ ही DRV लगी रहती है, प्रेशर रेगुलेटर वॉल्व लगा रहता है, जो कि पंप के प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो होता क्या है बेसिकली यहाँ पे, इस गाड़ी में U4923 में जो पंप है वो CP2 पंप है, उसे CP28 पंप भी कहते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन वो CP2 पंप है बॉश का। अब उस पंप में तीन सेंसर लगे हुए हैं, ऐसा कहते हैं हम। हालांकि उसमें एक एक्चुएटर, क्योंकि PRV जो प्रेशर रेगुलेटर वॉल्व है वो तो एक्चुएटर है हमारा, बाकी जो दो सेंसर हैं, एक डीजल का टेम्परेचर नापने के लिए सेंसर लगा रखा है ग्रीन कलर का ऊपर, और एक नीचे कैम की तरफ एक सेंसर लगा हुआ है। अब वो कैम की तरफ जो सेंसर लगा हुआ है, उसका महत्व ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो BS4 गाड़ी में जो टाइमिंग होती है वो निर्धारित करी जाती है क्रैंक सेंसर और कैम सेंसर से। दोनों का एक ग्राफ होता है, एक क्रैंक सेंसर का ग्राफ बनता है, जो कि जब फ्लाईव्हील घूमता है तो फ्लाईव्हील के ऊपर लगा रहता है क्रैंक सेंसर। अब उसको करंट मिला हुआ है, उसके वोल्टेज मिला हुआ है 5 वोल्ट, तो जैसे ही फ्लाईव्हील घूमता है वो वोल्टेज फ्लक्चुएट होते हैं और वो एक सिग्नल पैदा करके ECU को देता है। उसी तरीके से कैम के ऊपर एक सेंसर लगा रहता है, जो सेम काम करता है कि जब उसको वोल्टेज मिल जाते हैं अपने, जो भी उसको मिलते हैं 5 वोल्ट लगभग, जैसे ही कैम घूमती है तो वोल्टेज फ्लक्चुएट होते हैं और वो भी सिग्नल देता है आगे। ये दोनों सिग्नल जो हैं, इनका जो वेरिएशन है, वो वेरिएशन वाला पॉइंट एक ही होता है। तो वो वेरिएशन वाला पॉइंट एक ही अगर है, तो इसका मतलब क्या है कि हाँ जी, कैम और क्रैंक की टाइमिंग सही मिली हुई है। यदि कैम का वेरिएशन पॉइंट अलग आता है, यानी अगर कैम आपने कैम की गरारी घुमा दी है और जो है सिग्नल लेट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया कैम की टाइमिंग आउट है, या सेम क्रैंक के साथ आपने कर रखा तो क्रैंक की टाइमिंग आउट है। जैसे ही ये दोनों सिग्नल एक लहर में नहीं होंगे, एक साथ इनका उठना बैठना नहीं होगा, नहीं मिलेगा ECM में, तो ECM कह देगा भैया टाइमिंग आउट है, मैं गाड़ी स्टार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट करने से कोई भी बड़ी दिक्कत गाड़ी में आ सकती है। ये जो कैम का सेंसर है, सभी गाड़ियों में कैम के ऊपर दे रखा होता है, लेकिन U4923 में ये जो सेंसर है ये पंप में भी दे रखा है, बल्कि जो पंप का हमारा जो गियर है, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन पंप का और कैम का जो गियर है उसका साइज सेम होता है, चाहे कोई भी गाड़ी हो। अब ये वाला जो सेंसर है, कैम सेंसर, ये कैम की जगह हमारे पंप में दे रखी है, और पंप के अंदर एक व्हील दे रखा है, जैसे कहते हैं ट्रिगरिंग व्हील।
अब अगर आपने जैसे लीलैंड में कोई भी पंप हम निकालते हैं इनलाइन पंप, तो उसमें गियर पे जो है 3 का निशान रहता है मार्क। जो आइडलिंग गियर के जो 2 दांते होते हैं जिस पे 3 तीर लगा देते हैं, उनके बीच में जाके फिट होता है, तो वो उसकी टाइमिंग होती है। तो वैसे हालांकि अगर ये गाड़ी BS4 टाटा होती तो आप पंप का गियर कहीं भी घुमा के उसमें लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पंप की कोई स्पेशल टाइमिंग नहीं है। लेकिन इस गाड़ी में, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रिगर व्हील दे रखा है पंप के अंदर और कैम सेंसर दे रखा है, तो पंप की बेसिकली खुद की टाइमिंग नहीं है, लेकिन कैम जो ये कैम सेंसर इसमें लगा रखा है, तो वो वाला सिग्नल जो है पंप से आएगा, तो उसके लिए वो गियर बिल्कुल सही जगह पे सही मार्क पे फिट होना चाहिए, ताकि वो जो सिग्नल है वो क्रैंक के सिग्नल के साथ मेल खाए। यदि आपने पंप का गियर घुमा के कहीं भी लगा दिया, तो कैम वो उस सेंसर का सिग्नल जो है वो गलत जगह से उठना चालू करेगा, गलत जगह से सिग्नल देना चालू करेगा, और कभी भी क्रैंक के सिग्नल के साथ मेल नहीं खाएगा, तो टाइमिंग आउट हो जाएगी, गाड़ी कभी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि करंट जो है कहीं पे भी इंजेक्टरों पे नहीं ECU सप्लाई करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा झोल है U49-23 में, तो हमें ध्यान रखना है। ये जो पंप है CP2 पंप, इसमें जो नीचे की तरफ सेंसर दे रखा है, ये कोई ऐसा वैसा सेंसर नहीं है जो मोबिल ऑयल का प्रेशर पंप में से बता रहा हो, या कोई ऐसी तरह की बात अगर आपको लग रही है, ये कैम सेंसर का पंप है। अगर सिग्नल नहीं, सिग्नल आउट हो गया, सेटिंग आउट हो गई गियर की, तो वो सिग्नल कभी भी मेल नहीं खाएगा क्रैंक सेंसर के सिग्नल के साथ, और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो आई होप इस वीडियो से जो लोग फंसे हुए हैं उनको थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी फ़ायदे की, और जिन लोगों को कैम सेंसर या क्रैंक सेंसर की टाइमिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी थी, तो वो इससे आपको क्लियर हो जाएगी। मिलाना कैसे है टाइमिंग, ये आपको वैसे प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लीलैंड में जिस तरीके से हर गाड़ी में मिलता है उसी तरीके से मिलाया जाता है, जिसमें सादा पंप है या और भी कोई भी पंप हो, 3 लिखा रहता है पंप के गियर पे बाहर की तरफ फेस पे, वो आइडलिंग गियर के जो 2 दांते होते हैं जिसपे 3 दोनों साइड पे लगा होता है, उसमें बीच में बैठेगा बस, ये इतना सा काम इसमें होना है। और वैसे अगर देखा जाए तो जहाँ से आपने निकाला है सीधे सीधे उसको वहीं पे फिट कर दो, किसी आप चाहो तो पेंट का मार्क लगा सकते हो किन्हीं भी 2 गियर पे और पंप के 1 गियर पे, जिस गियर जहाँ से निकाला है उन्हीं दांतों के बीच में उसको फिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इंजन घुमा दिया है तो फिर दिक्कत आएगी। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।